नमस्कार, मैं सोमवीर सिराज स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने YouTube चैनल HTTV 90 पर। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ शुरू करते हैं दोस्तों। आज हम आपको ले जाने वाले हैं शेर शाह सूरी के दादाजी इब्राहिम शाह सूरी के मकबरे की ओर। शेर शाह सूरी के दादाजी इब्राहिम शाह सूरी के मकबरे की ओर। इब्राहिम शाह का देहांत हिजरी सन 987 यानी 1518 ईस्वी में नारनौल में हुआ, जो कि बंगाल के शासक थे। इस सुंदर मकबरे का निर्माण शेर शाह सूरी ने 1538 से 1545 ईस्वी में अपने निजी वास्तुकार शेख अहमद नियाजी से करवाया। यह स्मारक पार्थियन शैली से बना हुआ है और उस समय की वास्तुकला को प्रदर्शित करता है। प्रभावशाली बाहरी आकार, ठोस मेहराब, चित्रित छत, छिद्रद्वार जाली, गुम्बज, कंगूरे तथा चमकदार टाइलों का बिछाव इस मकबरे की विशेषताएं हैं। लाल तथा हल्का नीला और घूसर पत्थरों का संयोजन इसे और अधिक सुंदर बनाता है। ऊंचे चबूतरे पर बने हुए इस मकबरे का प्रवेश द्वार पूर्व दिशा में है। पश्चिम में सुंदर नक्काशी किया हुआ दिल्हे एनल में एक आवरण है और इसकी दीवारों में मेहराबदार आले हैं। अकबर मकबरे का प्रवेश द्वार हिंदू मंदिर निर्माण पर निर्मित है, जिस पर सुंदर नक्काशी की गई है, जिसमें बहुत ही संतुलित तरीके से रंग भरे हुए हैं। सामने का भाग इसका दो मंजिलों में विभाजित है, जो कि छोटे छोटे दिल्हों से सुसज्जित है, जिन पर लाल बलुआ प्लस्तर में हल्के उभार की नक्काशी की गई है। आंतरिक भाग की नक्काशियों में रंगों का सुंदर संयोजन किया गया है। यह सुंदरता शानदार छिद्र द्वार अलंकृत जालियों से और भी बढ़ जाती है। इस मकबरे पर एक छोटी गुम्बज है, जो कि अष्टकोणीय मृदंग है, जिसके कोनों पर छोटे छोटे ब्रज हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और आगे भी ऐसी ऐतिहासिक वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।